हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका योग मित्र योग गुरु अरुण यादव। तो आप सभी लोगों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कई लोग जुड़ेंगे भी। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज के आसन को। तो आज हम मैट पे एकदम बीचोंबीच बैठे हुए हैं, आप भी शायद मैट पे अपने बैठ जाएंगे। बैठने के बाद के आज आसन करने वाले हैं हम लोग। तो हमारा आज का जो सेशन है वो एकदम रिलैक्स पोजीशन में करेंगे। तो हम लोग आज बैठ के, लेट के और बैठ के आसन करने वाले हैं। आज स्टैंडिंग पोज का कोई आसन नहीं करेंगे, तो एकदम आराम से करेंगे। कोई आपको गड़बड़ी नहीं करनी है, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले अपने स्वर का ध्यान कर लेते हैं। तो सब लोग अपने हाथों में ध्यान मुद्रा ले लेंगे, सीधा बैठ जाएंगे, आंखें बंद। अब एक मिनट के लिए हम अपने ईश्वर को याद करेंगे। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर और ईश्वर पर। हर एक सांस में ईश्वर का नाम लेते रहिए। तो चलिए दोनों हाथों का एक साथ घर्षण करेंगे। घर्षण करने के बाद जो ऊर्जा निर्माण होती है वो अपने चेहरे पर घुमाना है और आराम से अपनी आंखें खोलना। तो चलिए आज के आसन को शुरुआत करने से पहले कुछ आपको जानकारियां दे देता हूँ। जैसे बहुत लोग यहाँ जुड़े होंगे जिनको डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, ब्लॉकेज की भी शिकायत होगी, दम लगना होता है, छाती दर्द में चलने में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में हमें तकलीफ होने लगती है, बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, सांसों की जो प्रक्रिया है ये ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो ये सब समस्याएं क्यों होती है? क्योंकि हम हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को यूज नहीं करते। हार्ट और लंग्स को यूज करना मतलब एक बार उसे आपको जैसे डॉक्टरों के सलाह से आपको आधा घंटे चलने के लिए बोला जाता है, योगा प्राणायाम करने के लिए बोला जाता है। तो इसके जो फ़ायदे होते हैं आपको तो धीरे धीरे मालूम ही हो रहे होंगे कि हम आसन करते करते अपने आप को कैसे अच्छा बना रहे हैं। तो आपको कुछ जानकारियां देता हूं कि बीमारियां कैसे होती है। अगर हमारे पेट के ऊपर चर्बी जमा होना या फैट जमा होना शुरू होता है, अगर वो फैट या चर्बी हमारा पेनक्रियाज जो होता है, जो हमारा स्वादुपिंड होता है, जो नैसर्गिक इंसुलिन तैयार करता है, उसके आजू बाजू अगर पूरा का पूरा चर्बी का एक कोट तैयार हो जाता है, तो कोट तैयार होने की वजह से हमारा जो इंसुलिन सिक्रेशन होता है पेनक्रियाज में से ऑल ओवर शरीर के लिए, वो क्या होता है कि हमारा जो पेनक्रियाज है इंसुलिन सिक्रेशन करता है, लेकिन वो जो चर्बी का कोट तैयार हुआ, चर्बी का चट्टा जो तैयार हो जाता है यहाँ पे, वो इंसुलिन वहीं ख़त्म हो जाता है। और पूरे शरीर में अगर वो इंसुलिन नहीं जाता है तो हम जब चेक कराते हैं या फिर जब प्रिक करके चेक करते हैं तो हमारी शुगर बढ़ी हुई नज़र आती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसे आसन करने हैं जिसकी वजह से हमारे पेट की साइज कम हो सकती है। तो आज मैं वही कराने वाला हूँ। दूसरा, इसमें पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी। जब बॉडी आप स्ट्रेच करोगे तो आपके जो शरीर में रक्तवाहिनियों के ऊपर जो जमा हुआ फैट होता है या चर्बी या होती है, ये अगर कम होता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। और ये प्रक्रिया करते करते अगर आप इसी को रोज शुरू रखते हैं तो आपके ब्लॉकेजेस भी रिड्यूस होना शुरू होते हैं। लेकिन इसमें डाइट बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका खान पान अगर सही है तो आप एक्सरसाइज करके अपनी बीमारियों को नॉर्मल कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज के आसन का। तो पहला जो आसन है हमारा वो है नवासन। नवासन एक ऐसा आसन है जो आपके पेट की चर्बी को भी कम करेगा
और सारे ब्लड को खींच के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ लाएगा, क्योंकि बीमारी जो डायबिटीज़ होता है इसकी वजह से हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है, पाचन तंत्र हमारा ठीक से काम नहीं करता है, इसीलिए ये बीमारियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी अच्छा काम करेंगे। तो चलिए सब लोग पैर को थोड़ा सामने लाएंगे, हाथ पीछे रखेंगे, पैर को शांत और शिथिल करेंगे, बहुत अच्छे। पैर को ऐसे 10 बार आपको हिलाना है, 10 बार उसे जमीन के ऊपर पटकना है, बहुत अच्छे। अब हमें अपने मैट के ऊपर ऐसे ही घूम जाना है, इस पोजीशन में बैठ जाइए। अब हम जो आसन का नाम मैंने आपको बताया है उसका नाम है नौआसन, मतलब नाव के जैसे हम अपनी आकृति को बना देंगे अपने शरीर की, और उसमें ही वहाँ रुकना है और हमें वहाँ पे रुक के 10 काउंट की क्रिया करनी है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आसन है, बैलेंस बनाना पड़ता है इसमें, तो एक बार देख लीजिए आप। तो एक लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को छोड़ना है, फिर धीरे धीरे अपने पैर को उठाना है, दोनों पैर ऐसे उठ जाएंगे, यहाँ तक आ गए, पोजीशन ये होती है। उसके बाद अपने हाथों से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे रुकना है, 10 काउंट करनी। अगर आप इस बैलेंस को बना नहीं सकते हैं, जो एजेड लोग हैं, तो दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ लीजिए, इस प्रकार से भी अगर आपने किया तो चलता है। अब इसका फ़ायदा आपका क्या होगा कि सारा ब्लड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, है, तो इससे हमारी जो पाचन क्रिया होती है ये बहुत ही मजबूत हो जाएगी, और हमारा जो डाइजेस्ट होने का, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है, ये धीरे धीरे क्लियर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला आसन, नवासन स्टार्ट। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर। अब धीरे धीरे अपने पैर को उठाइए, ऊपर उठाइए, बैलेंस बना लीजिए, बहुत अच्छे। अब दोनों हाथों को सामने लाइए, थोड़ा सा शरीर को नज़दीक लाइए, 10 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए धीरे धीरे अपने हाथ और पैर को जमीन पर रख देते हैं, बहुत अच्छे। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी की जो सबसे लास्ट का जो पोर्शन होता है उस पे जरा बहुत ही ज़्यादा तनाव महसूस होता है, इससे हमारे रीढ़ की हड्डियों की जो पोजीशन होती है ये एकदम आराम से, जो हम अभी आसन कर रहे हैं इसमें जो रीढ़ की हड्डी को पोजीशन अच्छी बनाने में मदद मिलती है। चलिए एक बार इसी आसन को और करेंगे, सपोर्ट लीजिए, लंबी सांस भरिए, सांस बाहर। चलिए अब धीरे धीरे सपोर्ट लेते हुए पैर को ऊपर उठाइए, सपोर्ट लेते हुए बैलेंस बनाइए, बहुत अच्छे। दोनों हाथों को उठाइए, थोड़ा नज़दीक आइए, यहाँ पे रुकना है आपको, बैलेंस बनाना है, सामान्य श्वास, नॉर्मल ब्रीथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। देन रिलैक्स, आराम से रिलैक्स हो जाइए, परफेक्ट। अब इससे अपने आपके पेट की मसल्स के ऊपर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, स्ट्रेबल मीन्स पूरे शरीर को स्ट्रेच करके उसे कंट्रोल करना, जो आपके रीढ़ की हड्डियां जो होती है, आपका जो हिप जॉइंट पेन होता है, इसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पोजीशन में शरीर को रुका के रखना, जिसमें आपके पेट के जो ऑर्गन्स होते हैं ये पूरी तरह से वहाँ काम करना शुरू करते हैं, तो पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए एक बार और करेंगे पोजीशन, लंबी सांस लीजिए, सांस बाहर। चलिए पोजीशन लीजिए, धीरे धीरे बैलेंस बनाइए, बैलेंस, हाथ सामने लाइए, बैलेंस, सांस नॉर्मल, 10 काउंट, 1,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। इस आसन का एंजॉय कीजिए इस आसन के लिए। चलिए एक बार और कर लेते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। पोजीशन लीजिए, लंबी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। चलिए स्टार्ट। धीरे 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 पैर को ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ बहुत बढ़िया। नॉर्मल ब्रीथ, टेन काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स रिलैक्स। इससे हमारे पूरे शरीर में खिंचाव निर्माण होता है और इसी खिंचाव की वजह से हमारे रक्तवाहिनियों के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट्स जमा है, एक्स्ट्री जो चर्बी जमे हैं, वो कम होने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये था नवासन। इसको आप अगर और भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपका ये एपिसोड ख़त्म होने के बाद आप इसे फिर से देख के कर सकते हैं। चलिए तो थोड़ा सा अपने आप को शांत और शिथिल करेंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पे, अपने दोनों हाथों को खोल देंगे जिससे हमारा एयरवेज जो होता है खुल जाता है। यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, 20 से 25 सेकंड का रेस्ट। आंखें बंद होंगी सबकी, पूरा शरीर को शांत होने दीजिए। अब सब लोग अपनी आंखें खोल देंगे। इसके बाद का जो आसन है वो है चतुरंग दंडासन। तो चतुरंग दंडासन करने के लिए हमें हमारे शरीर का, जैसे हमारे बेड होती है या फिर हमारी खाट होती है जिसके चार पोर्शन होते हैं, या कुर्सी होती है, चारों जो उसके पोर्शन होते हैं वो जमीन के होते हैं और उसके ऊपर हम बैठते हैं। तो बैठने, उतना बड़ा वजन देने के बाद भी हमारी जो चेयर होती है, हमारे जो इस खाट होती है, टूटती नहीं, क्योंकि उसकी जो स्टेबिलिटी होती है बहुत ही मजबूत होती है। तो आज हम उस आसन को करने वाले हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर की पूरी हड्डियां एकदम मजबूत होना शुरू होंगी। पेट के ऊपर जो तनाव आएगा उससे तो आपको अच्छा है, क्योंकि मैंने आज बताया आपको कि पेट के ऊपर जो फैट है उसे अगर हम कम करते हैं तो डायबिटीज़ नॉर्मल होना शुरू होगा। पूरे शरीर में अगर रक्तवाहिना स्ट्रेच होती है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल शुरू होगा और इसी की वजह से हमारे जो हार्ट ब्लॉकेज है ये भी कम होना शुरू होंगे। आपको सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त जो दम लगता है ये भी धीरे धीरे कम होगा। तो चलिए अब हम अपने मैट के ऊपर पेट की बगल लेट जाएंगे। तो आप अभी मत लेटिए, एक बार मैं इस आसन को करके दिखाता हूँ, फिर हम एक साथ करेंगे। तो चलिए एक बार मैं इस मैट के ऊपर लेट जाता हूँ, पेट की बगल। यहाँ सोने के बाद हम लोग अपने दोनों हाथों को देखो ऐसे रखेंगे यहाँ पे इस हिसाब से। अब पैरों की उंगलियां हैं जो पीछे की तरफ न करके उसे ऐसे उठा के यहाँ रख लीजिए, क्योंकि सपोर्ट लेना है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। ये मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे करना है। अब देखिए आपको फिर वहाँ पे बैलेंस बनाते हुए आराम से अपने आप को पोजीशन में लेते हुए ऐसे ऊपर उठना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट, ये है चतुरंग दंडासना। यहाँ रुकना है, बैलेंस को बना के रखना है। आपको महसूस होगा पूरे शरीर की जितनी भी हमारी मसल्स है, जितने हमारे पूरे रक्तवाहिनियाँ हैं, इनमें थोड़ा सा खिंचाव महसूस करेंगे और फिर बाद में हम धीरे धीरे
नीचे आ जाएंगे। तो चलिए आप सभी इस पोजीशन को ले लीजिए, सब लोग इस पोजीशन में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। सांसों की क्रिया चालू रखिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। आई थिंक सब लोगों ने पोजीशन ले लिया होगा। स्टार्ट। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। अब शरीर को, दोनों हाथों को पंजे से और आपके पैर के सपोर्ट से ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस पोजीशन में बहुत ही अच्छे, यहाँ रुक जाएंगे। 10 count नॉर्मल ब्रीथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे धीरे शरीर को धीरे धीरे फिर से जमीन पर रखिए। रिलैक्स, पैर को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए पीछे की तरफ। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। कंटिन्यू चालू रखिए इसे। चलिए अब इसे एक बार और करेंगे। रेडी है सब लोग? एक लंबी गहरी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। जैसे बाहर छोड़ेंगे अपने आप को ऊपर की तरफ, आपको ऊपर की तरफ पूरे शरीर को खींचना है। बहुत अच्छे, यहीं रुक जाइए। नॉर्मल ब्रीथ, 10 count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। धीरे धीरे स्लोली जमीन पे आ जाइए। फिर से रिलैक्स, लंबी सांस लेना छोड़ना चालू रखिए। क्योंकि ये आसन आपके लंग्स की, आपके हार्ट की पावर को बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चलते समय, सीढ़ियाँ चढ़ते समय, कोई ऊपर की जो रास्ते उस पर चलते समय आपको दम लगता है, या फिर जैसे हम फास्ट चलते दम लगता है, तो इस क्रिया से हमारे हार्ट की जो ताकत है, लंग्स की जो ताकत है, ये बढ़ेगी। चलिए एक लंबी गहरी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। अब पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए फिर से। बहुत अच्छे, 10 count नॉर्मल ब्रीथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। आराम से रिलैक्स, रिलैक्स, लंबी सांस लेना छोड़ना चालू रखिए। अगर हाथ दर्द हो रहा है तो हाथों को सामने की तरफ ले लीजिए और यहाँ पे लंबी सांसों की क्रिया चालू रखिए। हाथों को आगे लेने से हाथों का प्रेशर थोड़ा कम हो गया होगा। सांसों की क्रिया चालू रखिए। चलिए एक बार और कर लेते इसी आसन को। पोजीशन ले लीजिए, बहुत अच्छे, लंबी गहरी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। चलो अब पूरे शरीर को ऊपर पुश करना है, पुश कीजिए। परफेक्ट। 10 count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and स्लोली जमीन पे आइए। दोनों हाथों को छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को पहले लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, उसके ऊपर अपने पंजे जो है, हमारे तलवे जो है, इसे जमीन पे रख लीजिए। पैर में गैप रख लीजिए। पूरे शरीर को अब यहाँ हम शांत और शिथिल करेंगे। आप लंबी सांस लेते रहिए, आप इसमें पूरे नॉर्मल हो जाएंगे।
और सांस को बाहर छोड़ते रहिए। सांस लेने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़िए। तो चलिए अब हम फिर से अपने पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, बैठक स्थिति। तो सब लोग आराम से उठ के बैठ जाएंगे धीरे धीरे। फिर से मैट के बीचों बीच हम बैठ जाते हैं। मैट के बीचों बीच बैठने के बाद अब आगे की आसन की शुरुआत करेंगे। आपने देखा जो आसन अभी हमने किया, चतुरंग दंडासन, ये आसन दिखने में बहुत आसान है, लेकिन करते समय इसमें महसूस होता है कि पूरे शरीर को हम लोग एकदम एक स्थिर मुद्रा में, पूरी मसल्स को एकदम टाइट करके रख देते हैं और वाइब्रेशन क्रिया होती है। इससे आपके जो यहाँ का जो पोर्शन होता है ये बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होता है, जिससे वहाँ पे हमारे शरीर में जितने भी फैट का यूज होना है वही यूज हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जो फैट जमा है इसे कम होने में मदद मिलेगी। तो चलिए आगे के आसन को शुरुआत करेंगे, दंडासन। दंडासन जो आसन है ये बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि अब हम बैठे की स्थिति में इस आसन को करने वाले हैं। तो चलिए सब लोग अपने पैर को अपने मैट के सामने लेके आ जाएंगे। ऐसे सामने लाइए दंडासन स्थिति, दोनों हाथ को पीछे रख लीजिए, दोनों हाथ पीछे, बहुत अच्छे। अब हम पैरों की पूरे पंजे को आगे की तरफ झुका देंगे इस प्रकार से। अब धीरे धीरे सांस को लेते हुए पंजे अंदर की तरफ खींचेंगे, बहुत अच्छे। सांस छोड़ते हुए जो अपने पंजे हैं ये आगे की तरफ झुका देंगे। अब दंडासन स्थिति में बैठने के बाद ये क्रिया करने का जो महत्व है उसके बारे में बताता हूँ कि जैसे ही आप अपने पैर को अंदर की तरफ दबाते हो, पूरा का पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ ढकेल दिया जाता है। जिस उसी समय आप अपने लंग्स की सांस ले रहे हो तो लंग्स की साइज को इम्प्रूव करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ब्लड नीचे जाने के बाद अनप्योर हो जाता है वो ऊपर आने के बाद प्योरीफाइड होता है, हार्ट को जाकर पूरे शरीर में प्रोवाइड होता है। इससे शरीर की जो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता है इसे बढ़ाने में मदद मिलती है। चलिए एक बार और करेंगे। चलिए पंजे बाहर झुका दीजिए, सांस लेते हुए पंजे अंदर की तरफ खींचिए, बहुत अच्छे। सांस रुका के रखिए, सांस छोड़ते हुए पंजे बाहर की तरफ, परफेक्ट। चलिए एक बार और, सांस को लेते हुए पंजे अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए पंजे बाहर की तरफ, सांस को छोड़ते हुए पंजे अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए पंजे बाहर की तरफ, और एक बार सांस को लेते हुए पंजे अंदर की तरफ और सांस छोड़ते हुए पंजे बाहर की तरफ। चलिए पंजों को गोल घुमाएंगे 5 बार लेफ्ट साइड, बहुत अच्छे। 5 बार लेफ्ट साइड और फिर उसी तरह 5 बार राइट साइड, परफेक्ट परफेक्ट। इससे हमारे पैर के ऊपर जो तनाव आया था, हमने जो अभी इसके पहले आसन किया था चतुरंग दंडासन दंडासन में, तो तनाव कम करने में बहुत ही मदद मिलती है। चलिए अब हम आगे के आसन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सुख आसन में बैठ जाते हैं, और सुख आसन में बैठने के बाद थोड़ा सा अपने आप को शांत और शिथिल करेंगे, रिलैक्स।
नॉर्मल ब्रीद, आंखें बंद और आंखें बंद कीजिए। आपको एकदम शांत महसूस होगा, क्योंकि जब आप शांत होंगे तभी शरीर अपने आप को अंदर से रिपेयर करता है। चलिए सब लोग अपनी आंखें खोल देंगे। तो अब हम बैठक स्थिति का जो आसन करने वाले हैं उसका नाम है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन करने के लिए हम लोग आज एक अर्ध जानु शीर्षासन भी कर सकते हैं। ज्यादा इसमें अगर आप नहीं झुक सकते हो तो आप आधे ही झुकिए, ठीक है। कोई एकदम ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ ऐसा ही होना चाहिए, या फिर आपने कहीं YouTube पे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जानु शीर्षासन में बहुत ज़्यादा झुकते हैं लोग, तो ठीक है हम करेंगे, लेकिन आपको जितना जमता उतना ही करना है। इससे पहले मैं आपको एक बार वो दिखा दूंगा जानु शीर्षासन, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम एक साथ इसे फिर से तीन तीन बार करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो दोनों पैर हमारा ऐसे आगे आएगा और उसमें जो राइट लेग होगा वो राइट तरफ थोड़ा सा उसे हम क्रॉस कर देंगे, और जो हमारा लेफ्ट वाला लेग है उसे यहाँ पे ऐसे लगा के रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक लंबी सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए हम अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और अपने गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएंगे। तो आप जितना झुक सकते हो उतना ही झुके, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं भी ज़्यादा नहीं झुकूंगा, थोड़ा ही आऊँगा नीचे, तो वहीं पे आपको रुकना है, अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए अपने अंगूठे को पकड़ लीजिए, गर्दन नीचे की तरफ जितना नीचे कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीद, सामान्य श्वास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे की तरफ आएंगे, फिर से बहुत अच्छे, फिर वहीं रुकिए, 1, normal breath, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सांस लेते हुए फिर से ऊपर, सांस को छोड़ते हुए फिर से नीचे, गर्दन नीचे की तरफ, नॉर्मल ब्रीद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर उठिए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अभी आपने देखा होगा जैसे ही आप नीचे की तरफ झुकते हो आपके जो नीचे की पूरी जो मसल्स होती है, रक्तवाहिनियां होती है, इसमें बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है। तनाव का मतलब जो स्ट्रेचिंग होती है उसकी वजह से सारा का सारा जो ब्लड सप्लाई है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, क्योंकि हमने दूसरे पैर को ही फोल्ड किया हुआ है, और जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो आपका पेट पूरा पैक हो जाता है, जो भी ब्लड है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। इस वजह से हमारी पाचन क्रिया भी अच्छी होगी और हमारा जो मिडल पोर्शन का फैट से कम होने में मदद मिलेगी। चलिए आसन छोड़ दीजिए, अब इसी आसन को हम दूसरे साइड से करेंगे। चलिए इस पैर को राइट लेफ्ट लेग को यहाँ रखेंगे, राइट लेग को यहाँ रख देंगे। अब फिर से उसी प्रकार से इस आसन को हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सांस को लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों से उंगलियों को पकड़ लेंगे, गर्दन नीचे की तरफ, 10 count, नॉर्मल ब्रीद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, वहीं रुकेंगे, 10 count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 10 count, normal breath, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों पैर सामने लाइए, दोनों हाथ पीछे, पैर को शांत और शिथिल कीजिए। बहुत अच्छे, 10 बार ऐसे पैर को घुमाना है और 10 बार पैर को जमीन पे ऐसे पटकना है। चलिए फिर से हम लोग सुख आसन में बैठ जाते हैं। सब लोग अपनी आंखें खोलेंगे, सुख आसन में बैठ जाइए, शरीर को एकदम शांत और शिथिल कीजिए। क्योंकि आज का जो आसन का मेरा उद्देश्य था वो था पूरे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव करना और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा उसे दबाना। इससे होता क्या है कि जब आप मतलब जब बॉडी खींचते हैं और जब बॉडी दबाते हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा है, हमारे ज्वाइंट के अंदर, हमारे रक्त वाहिनियों के अंदर, ये निकलना शुरू हो जाता है। तो आपको ऐसे ही रोज जुड़ना है और रोज एक साथ मिल के हम लोग आसन को करेंगे। जैसे मैंने बताया, मैं आपका योग मित्र हूँ, तो आप और हम एक मित्र है, हम लोग एक साथ इस चीज को करेंगे और अपनी दोस्ती को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए शांत बैठ जाइए, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास। बीस से 25 सेकंड पूरे शरीर को शांत करेंगे, मन में कोई विचार नहीं। बहुत अच्छे, चलिए तो अब हम शरीर को और ज्यादा से ज्यादा एकदम शांत और शिथिल करने के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया प्राणायाम अनुलोम विलोम करने वाले हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम दुनिया का सबसे अच्छा प्राणायाम है, जो हमारे 72,800 से भी ज्यादा जो हमारे नाड़ी तंत्र होते हैं उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस प्राणायाम को करते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का क्यों, हमारे एपिसोड का एक भाग है ये आसन की बात करना ही होता है। तो चलिए हम लोग इस प्राणायाम को शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड में हमें ऐसी चीन मुद्रा रखनी है, राइट हैंड में पूरी मुट्ठी बांध लेंगे। मुट्ठी बांधने के बाद आपको जो आपकी रिंग फिंगर होती है उसे बाहर निकाल लेना है, ठीक है। लास्ट की 2 उंगलियाँ आपके बाहर होंगी, जैसे ये 2 अंदर हो जाएंगे, अंगूठा बाहर, और ये 2 उंगलियां हमारी राइट हैंड में बाहर होंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे, सीधा बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद कीजिए, राइट थंब राइट नोज ब्लॉक, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए जो अपनी नाक खुली हुई है, और हमारी जो लेफ्ट नाक है उसे बंद कर लेंगे रिंग फिंगर से, और लिया हुआ सांस राइट से छोड़ेंगे, दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। फिर से दाहिनी नाक से सांस अंदर लो, दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करके, राइट वाली राइट थंब से बंद करके लिया हुआ सांस को आपको लेफ्ट से बाई नाक से छोड़ दीजिए। फिर से अपने लेफ्ट नोज से ऑक्सीजन अंदर खींचिए बाई नाक से, बाई नाक को बंद कीजिए, लिया हुआ सांस राइट दाहिनी नाक से छोड़िए। फिर से दाहिनी नाक से सांस, राइट से अंदर सांस खींचिए, और राइट वाली बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़िए। इस प्रक्रिया को आपको आंख बंद करके कंटिन्यू चालू रखनी है, बंद नहीं करना है। इस प्राणायाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो, आप कंटिन्यू करते रहो, मैं इसके बारे में आपको और भी बातें बताते रहता हूँ। तो अनुलोम विलोम अगर आप रोज करते हैं तो इससे हमारा वज़न मेंटेन होना शुरू होता है। अगर मेरा वज़न मेंटेन होता है तो हमारे शरीर में जो फैट का प्रमाण है, मतलब ये
नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंटिन्यू कीजिए, इस प्राणायाम को चालू रखिए। प्राणायाम करते समय आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि जब आप ऑक्सीजन अंदर खींच रहे होते हैं वो ठंडी होती है, और जब भी आप सांस को बाहर छोड़ते हो वो गर्म होती है। अगर आपका पूरा कंसंट्रेशन इस पे होगा तो आपका पूरा जो ध्यान है वो भटकेगा नहीं और आप अच्छे से इस प्राणायाम को कर पाएंगे। आँखें बंद रहेंगी, कंटिन्यू चालू रखिए, कंटिन्यू चालू रखिए। चलिए, तो अब हम इस प्राणायाम को बंद करने के एकदम लास्ट और अंतिम पड़ाव पे है। तो मैं अब जैसे बोलूँगा वैसे आप कीजिए, फिर हम प्राणायाम को बंद करेंगे। तो दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक, राइट नोज राइट थंब से ब्लॉक कीजिए और लेफ्ट से सांस अंदर लीजिए। बाएं नाक से सांस अंदर लीजिए। बाएं नाक को बंद कर लीजिए, लिया हुआ सांस दाहिनी नाक राइट से छोड़िए। अब धीरे धीरे दाहिनी नाक से सांस अंदर लीजिए, लेफ्ट से अंदर सांस खींचिए। अंगूठे से अपने राइट नोज बंद कर लीजिए, दाहिनी नाक बंद, अंगूठे से सांस धीरे धीरे लेफ्ट से बाहर छोड़िए, बाएं नाक से छोड़िए। तो प्राणायाम को ही हम बंद करेंगे। तो इस प्राणायाम को करने के बाद हमने जो इससे पहले सब आसन किया था, जो हमारे सब शरीर में जो तनाव की मुद्रा हो चुकी थी, जो कि हर रक्त वाहिनियों को हमने खींचा और दबाया, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जहाँ को पेन हो रहा होगा या फिर वहाँ पे थोड़ा पेन हो सकता है, क्योंकि ने आज ऐसे आसन किए हैं जो आपने पहले किया भी होगा तो इतना स्ट्रेच करके किया नहीं होगा, तो स्ट्रेच की डर नहीं है, वो पेन धीरे धीरे चला जाता है, मसल है। तो चलिए सबसे लास्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले हम लोग अपने पैर को थोड़ा सा आगे लाएंगे और शांत और शिथिल कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम अभी 4 से 5 मिनट तक एक ही मुद्रा में बैठे हुए थे। पैर को थोड़ा हिलाना है और शांत और शिथिल करना है। पैर को जमीन पे पटकना है, चलिए। तो अब हम बैठ जाते हैं अपने फिर से सुख आसन में। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए। मुट्ठी बांधने के बाद जो हमारा अंगूठा के सामने की जो पहली उंगली है उसको निकाल लेंगे। अब हम करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो जो हमारी दो उंगलियां बाहर है इनको हम अपने कान के अंदर ऐसे प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आपको क्या करना, पहले सुन लीजिए उसके बाद कीजिएगा। उसके बाद आपको उंगलियां डालने के बाद ऐसे घुमाना है हाथ को। जैसे आप इसको घुमाओगे तो उंगलियां एक ग्रिप में जाके पूरी पैक हो जाती है और आपको बाहर की आवाज़ अंदर नहीं, अंदर की आवाज़
बाहर सुनाई नहीं देती है। इससे क्या होगा कि जब हम इसमें आवाहन मतलब जो भी मुद्रा वाले, तो इस वजह से जो आपके ब्रेन से लेके आपके जो बद्धपूर्ण होते हैं मतलब जो हमारे गुप्तांग होते हैं वहां तक ये ऑपरेशन होगा, इस वाइब्रेशन से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का निर्माण होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, 3 सांस लेंगे और 3 बार आवाज करेंगे। तो शुरू कीजिए, 3 बार स्टार्ट, हाथ में उंगलियां डालिए, घुमा दीजिए, स्टार्ट। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथों का घर्षण, दोनों हाथों को घर्षण करते रहिए जब तक कि उसमें गर्माहट नहीं आती, जब तक कि कोई ऊर्जा तैयार नहीं होती है। अब उसी हाथ को अपने चेहरे पर घुमाइए 3 बार और उसी हाथ को अपने चेस्ट रीजन से, एब्डोमिनल रीजन से, थाइस रीजन से घुमाते हुए हाथ को अपने घुटनों पर लाइए और आराम से अपनी आंखें खोलिए। तो आज के सेशन में तो बहुत ही मज़ा आया होगा, आप लोगों ने नए नए प्रकार की एक्सरसाइज कर ही रहे हैं, इसमें भी कुछ नए अध्याय जुड़ चुके हैं आज, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको बहुत से बातें बताई भी है, आपने भी उस बातों को ग्रहण किया होगा और उसके ऊपर अमल करेंगे। तो इसी के साथ आप जुड़िए हमारे साथ, इसी आसन, अच्छे अच्छे योगा, अच्छे अच्छे प्राणायाम के साथ। तो चलिए, आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, इसी के साथ नई आशा के साथ फिर मिलेंगे। तो तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।